हेलो गाइस, दिस इज यश। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो गाइस। सो भाई, तुम्हारा भाई लेकर आ चुका है एक ऐसी वीडियो ना जो बॉयज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बताता हूँ किसके ऊपर है। तो आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा कि फेयर स्किन अपनी कैसे करें गाइस। तो पहली चीज़ तो ये बोलना चाहता हूँ, भगवान ने जिसको जैसा रंग दिया है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट ये है उसको थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, यानी कि चेहरे पर थोड़ी शाइन ला सकते हैं। अभी आप मेरा फेस देख सकते हो, ये देखो भाई, भगवान की दुआ से जो मैं टिप्स फॉलो करता हूँ उससे मेरा चेहरा बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है, ठीक है। और मेरा चेहरा बिल्कुल बढ़िया लग रहा है अभी आप लोगों को देखने में, ठीक है। तो आप लोग ऐसा क्या करें जो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी लगने लगे, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगी, चेहरे पे एक पिंपल्स नहीं दिखेगा आप लोगों को और बिल्कुल फेयर स्किन दिखेगी। उसके लिए करना क्या होगा, सिंपली कुछ टिप्स आपको बताने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को एक रुपया भी खर्च नहीं करना है गाइस। हाँ, एक रुपया भी आपको खर्च नहीं करना है। सिंपली आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, वो टिप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं। अगर उस टिप से आपकी चेहरे पे स्किन अच्छी मतलब नहीं हुई ना भाई, चैनल छोड़ दूंगा अपना, इतनी बड़ी गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो वीडियो में है क्या, हम आपको टिप्स के ऊपर बढ़ते हैं कि कैसे आप अपनी स्किन इतनी ज़्यादा फेयर कर सकते हैं, आपके चेहरे पे एक पिंपल्स नहीं होगा और आपकी स्किन इतनी ज़्यादा शाइन मारेगी, ठीक है। तो उसके लिए पहली टिप्स जो है, आप लोगों को सुबह उठ के करना क्या है, 2 गिलास पानी, यानी कि 1 लीटर पानी में से पीना होता है, 1 या 2 लीटर, बट इतना ज़्यादा कोई नहीं पी पाता है। और अब तो गर्मी चल रही है, आप लोग पी भी सकते हो, गर्मी में तो हम वैसे ही पिए तो नॉर्मली। तो गर्मी में आप लोगों के लिए एडवांटेज है कि गर्मी में आप लोगों को क्या करना है, गर्मी हो या सर्दी हो, आप लोगों को 2 लीटर पानी अगर नहीं पी पाता है तो सुबह उठ के ठंडे पानी 2 लीटर आपको पानी पीना है, ठीक है। 2 लीटर सुबह पानी पीना है। और आपको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आप लोगों को करना है कि आप लोग 10-15 लीटर पानी पिए, आप दिन में 10-15 लीटर पानी। आप लोग ये टिप्स एक हफ्ता करके देखो, एक महीना करके देखो, अगर आपको पसंद आए मैं नाम बदल दूँगा अपना, अगर आपको थोड़ा रिजल्ट ना मिले तो। तो पहली टिप्स तो ये हो गई कि आप लोगों को दिन में 15 से 20 लीटर पानी पीना है, ठीक है। गर्मी चल रही है, पी लोगे यार आराम से, आप मैं भी पी लेता हूँ इतना तो। और सुबह उठ कर तो जरूर पीना है ठंडा पानी, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे चेहरे पे पिंपल्स कैसे होते हैं। तो पिंपल्स हमारे इसलिए हो जाते हैं बिकॉज हम धूप में ज़्यादा घूमते हैं और अपना चेहरा ज़्यादा वॉश नहीं करते हम लोग, ठीक है। हम उठे ऐसे ही, मुँह धोया, नहा लिए, चले गए बाहर, बाहर से वापस आए, हाथ वाथ धोए, बस खाना खा लिया, सो गए। उससे क्या होता है ना, हमारी स्किन डल पड़ जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है ना, उसके लिए आप जैसे घर से बाहर जाते हो, वापस आके एक अच्छे फेस वॉश से, अगर फेस वॉश ना हो तो आप साबुन से, अच्छे साबुन से अपनी स्किन को मतलब साफ कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा ना, चेहरे पे जैसे बाहर की जो डस्ट होती है वो हट जाएगी चेहरे से और चेहरा बिल्कुल क्लीन रहेगा। और तीसरी टिप्स की ओर बढ़ते हैं गाइस। तो तीसरी ट्रिप आपको मैं बताने वाला हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को अपने मतलब कि डेली रूटीन में आजमानी है। घर में अगर आप लोग कोकोनट ऑयल तो हो गए सभी के, कोकोनट ऑयल सभी के होती है, बाहर से परचेस नहीं करना पड़ेगा। अगर परचेस भी करना होगा ज़्यादा पैसे का नहीं होगा, आप इजीली परचेस कर पाओगे 10-20 रुपये का। तो आप लोगों को क्या करना है ना, ऑयल लेना है और कपूर जानते हो, कपूर जानते होगा आप, मैं आपको भी दिखा दूंगा, इधर साइड में देख सकते हो, ये वाली कपूर आपको क्या करनी है, लेनी है, ऑयल लेना है और ऑयल के अंदर ना मतलब वो कपूर जो गर्म करके उसके अंदर डाल देना है उसको। आप कपूर करके डाल दोगे, आप पूछोगे भाई कपूर का क्या रोल है, तो कपूर क्या करते हैं ना भाई, हमारे डार्क सर्कल जितने होते हैं वो सब हटा देती है। पहले बात तो मेरे हेयर को थोड़ा इग्नोर करना है यार, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। एक मिनट, मैं इसको लगा ही लेता हूँ पहले, एक सेकेंड। हाँ अभी ठीक है, अभी परेशान नहीं करेंगे। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप लोग जैसे कपूर लेते हैं, कपूर को आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से गर्म कर लेना है, उसको पानी सा बना लेना है और उसको एक कटोरी में 3-4 चम्मच लेना है हमें कोकोनट ऑयल, उसके अंदर उसको मिक्स कर लेना है और उसको क्या है ना, रात को हमें लगाना है। ध्यान रखना हमेशा रात को लगाना है, रात को ऐसे पूरे मुंह पे लगा के सो जाना है आप लोगों को, और सुबह उठ को उसको थोड़े गुनगुने पानी से उसको धो लेना है। तो उससे उसका आपकी स्किन डल होने से बचेगी, आपके डार्क पिंपल्स हट जाएंगे, आप लोगों का चेहरा क्लीन रहेगा। और आप लोगों को ये 3 चीज़ें अपने डेली रूटीन में लेनी है गाइस। एक तो पानी पीना है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, पानी से क्या होगा ना, अंदर की जो गंदगी होती है वो बाहर आ जाएगी हमारे और ज़्यादा फेस हमारा गंदा नहीं रहेगा और बिल्कुल बढ़िया फेस रहेगा आप लोगों का, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, आपको याद ही होगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, आप लोगों को अपनी स्किन पे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार भी घर से बाहर जाते हो वापस आके आप लोगों को अपने अच्छे फेस वॉश से अपना मुंह धोना है, ठीक है। मुंह गंदा नहीं रखना, धूल मिट्टी से दूर रखना है मुंह अपना, ठीक है। और गर्मी से ज़्यादा ज़्यादा घर से बाहर कम ही निकले आप लोग यार, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि आप लोगों को कपूर लेनी है, 2-3 कपूर, 2 पीस कपूर के लेना है और
कोकोनट ऑयल लेना 3-4 चम्मच, उसको ऐसे घोल के दोनों को मिक्स करके अपने चेहरे पे लगा लेना, उससे आप लोगों के डार्क पिंपल्स हट जाएंगे और फिर चेहरे पे थोड़ा ग्लो आ जाएगा आप लोगों के, ठीक है। तो ये 3 टिप्स ऐसी है ना गाइज जो मैं अपने डेली रूटीन में लेता हूँ और इस चीज़ से मेरे को इतना फ़र्क मिला है आप लोग खुद देख सकते हो अभी। और तीसरी तो चीज़ हो गई, चौथी चीज़ गाइज, चौथी चीज़ ये है हेयर के ऊपर। आप लोग कहते होंगे हेयर मेरे झड़ रहे हैं, जिन लोगों के हेयर फॉल होता है उन लोगों को मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछली बार, जिन लोगों ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा देख लेना। उसमें आप लोगों को प्याज लेनी है और प्याज लेके ना अपने सिर में लगानी है ऐसे। अगर आप लोग उसमें बादाम कोन ले लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, बाकी प्याज लगा सकते हो आप अपने बालों की जड़ों में ऐसे करके। तो उससे क्या होगा ना आप लोगों की बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। देखो मेरे बाल देखो, आप लोग खुद ही बालों की ग्रोथ देख लो, अभी मैंने कटिंग नहीं कराई है तब भी देखो भाई साहब बाल ज़बरदस्त है मेरे, भगवान की दुआ से, क्योंकि ये चीज़ें ना मैं अपने ऊपर फॉलो करता हूँ ये टिप्स, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलता है और मेरे बाल इतने ज़्यादा हार्ड आते हैं, स्ट्रॉन्ग आते हैं इससे बाल। तो वो भी आप टिप्स अपने ऊपर आजमा सकते हो। तो ये टिप्स ऐसी कुछ थी जिन लोगों को लोग बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि यार हमारा फेस इतना काला है, यार हम अपने फेस से दाने कैसे हटाएं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं हम लोग, कुछ असर नहीं हो रहा हम लोगों को। तो ये ऐसी चीज़ बताएं ना डेली रूटीन में, अगर आप लोग इसको 1 महीना फॉलो करोगे तो आप लोगों को रिजल्ट 100% दिखेगा। मैंने अपने 1 से 1.5 महीना करा था और मेरे चेहरे पर देख सकते हो बिल्कुल भी पिंपल्स नहीं दिखेंगे आप लोगों को, एक आधा दिखेगा तो दिखेगा, बाकी बिल्कुल भी आप लोगों को पिंपल्स नहीं दिखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो को पसंद आएगा प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।